अयोध्या में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णय की जानकारी दी। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के दरबार पहुंचे। अयोध्या में मांझा जामताड़ा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है। इंग्लैंड वाटरवे प्राधिकरण की गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतरदेशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना का है। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट बैठक में रामनगरी के विकास के लिए कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र का नई पहचान मिले। इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई।